रेडियो एफ एम की सोच आपके अंदर कहाँ से है एक्चुअली हमें uh, चाहिए कि गोंडा की आवाज़ पूरे विश्व में पहुँचे और इससे उम्मीद ये रहेगी कि जो गोंडा के प्रवासी हैं जो पूरे इधर उधर बिछड़े हुए हैं भारत में पूरे भारत में या वर्ल्ड वाइड वो वापस गोंडा से जुड़ें कल अपने ऐप में कमेंट का सेक्शन है उसमें कैलिफोर्निया से किसी ने कमेंट किया कि वो यहाँ का रेडियो सुन रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है ट्वाइट गई वो यूके गई यूएसए गई भारत में डिफरेंट प्लेसेस पे गई कैलकटा गई मुंबई गई और उन्होंने स्टडी किया कि डिफरेंट एजुकेशन प्रणाली किस तरह की है और उसको एक सिंथेसाइज़ करके एक एजुकेशन प्रणाली हाई क्वालिटी की लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन की यहाँ पे एक एक नीव बाय नी जैसे आपने पर आज एजुकेशन का जो तरीका बदल गया है रूप बदल गया है कि किताबी ज्ञान दिया जाता है पर आपके इस नारी ज्ञानस्थली में कुछ अलग तरह का भी प्रयास होता है क्रिएटिविटी देखने को मिलती है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके विषय में थोड़ा सा बताएं क्या क्या होता है right. राइट uh, तो, तो आपको इस प्लेटफॉर्म तक लाएंगे जिससे आपकी आवाज़ पूरे गोंडा और विश्व तक पहुँच सके और अगर आप कलाकार हैं तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप यहाँ आए इस प्लेटफॉर्म ओपन माइक को यूज़ करें और अपनी आवाज़ को अपने टैलेंट को दूर दूर तक नमस्कार मैं दीपक श्रीवास्तव आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ मुलाकात कार्यक्रम के तहत आइए हम सीधे आप सभी से रूबरू करवाते हैं सर आपका नाम पूरा पहले बताएं uh, हमारा नाम डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा इंट्रोडक्शन है एम द सीईओ ऑफ एटीसी लैब्स एंड नौबस्ता इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी फॉर नारी ज्ञान स्थली और यहाँ रेडियो स्टेशन के फाउंडर uh, आप बोल सकते हैं संस्थापक संस्थापक मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि ये सोच रेडियो एफएम की सोच आपके अंदर कहां से आई एक्चुअली आई एम एन इंजीनियर बाय ट्रेनिंग हमारी मतलब जो ट्रेनिंग है वो इंजीनियर की है रिसर्च इंजीनियर बट हमारी अपनी कंपनी है एटीसी लैब्स जो ब्रॉडकास्टिंग में और ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग में वर्ल्ड वाइड काम करती है हमारी टेक्नोलॉजी यू के सबसे लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टर्स रेडियो ब्रॉडकास्टर्स में यूज़ होती है और इंडिया में भी ऑल इंडिया रेडियो के करीब 50, 60 एफएम uh, एम पे पर हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो नेचुरली हमारा बैकग्राउंड ऑडियो ही है नाम फ्रॉम गोंडा और गोंडा के डेवलपमेंट में गोंडा के सोशल कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमारा हमेशा कीन इंटरेस्ट रहता है तो हमारी यहाँ पे फाउंडेशन भी चलती है चैरिटेबल फाउंडेशन नारन सिन्हा फाउंडेशन के नाम से और तो ये सोचा गया कि अगर रेडियो गोंडा में आ जाए गोंडा में एक तो एफएम रेडियो था भी नहीं दूसरा यहाँ के टैलेंट को इमीजिएट पटफॉर्म नहीं मिल रहा था तो इसके लिए प्लान ये हुआ कि हम ये कम्युनिटी एफ ब्रॉडकास्ट के लिए लाइसेंस ऑप्टेन करें बट उसका पर्पज़ सिर्फ लोकल ब्रॉडकास्ट ही नहीं है हमें चाहिए कि गोंडा की आवाज़ पूरे विश्व में पहुँचे बट द फिलोसफी वी आर यूजिंग इज दैट टू गो ग्लोबल यू नीड टू गो लोकल तो पहले अगर आप विश्व में जाना चाहते हैं तो पहले आपकी पकड़ आप जमीनी स्तर पर जो नींव के स्तर पर आपकी पकड़, पकड़ मजबूत होनी चाहिए और इससे उम्मीद ये रहेगी कि जो गोंडा के प्रवासी हैं जो पूरे इधर उधर बिछड़े हुए हैं भारत में पूरे भारत में या वर्ल्ड वाइड वो वापस गोंडा से जुड़ें और साथ में मिलकर गोंडा की कॉन्शियसनेस गोंडा के लोग बहुत कल्चर्ड हैं इनहेरेंटली बहुत कल्चर्ड हैं लेकिन जो यहाँ की क्रिएटिविटी है यहाँ का कल्चर वो उभर के सामने नहीं आ रहा है उसको पूरे विश्व में ले जाने की कोशिश करें और साथ में ही पूरे विश्व को वापस गोंडा में लाएं कि यहाँ के लोगों की सोच जो है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की हो जाए तो यही यही इसका पर्पज़ है देखिए बहुत बड़ी बात है कि गोंडा के अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो निकल करके बाहर आए और दूर दूर तक उनकी एक अलग पहचान बने गोंडा का जो कल्चर है गोंडा की जो संस्कृति है गोंडा की जो सभ्यता है इसके बारे में भी लोग जाने गोंडा का अपना एक अलग इतिहास भी है इसके बारे में भी लोग जाने और शायद ये माध्यम बहुत ही अच्छा माध्यम है कि जिसके माध्यम से पूरे विश्व के कोने कोने के लोग गोंडा आ, के बारे में जान सकेंगे बिल्कुल आपने सही कहा तो जैसे ये रेडियो ज्ञान स्थली एफ पे तो है ही 89.6 एफएम साथ में से, सेम एग्जैक्ट प्रोग्राम का साइमल कास्ट चल रहा है ऐप्स पर एंड्रॉयड ऐप्स पर और आईफोन ऐप्स पर तो वर्ल्ड में कहीं पे किसी भी कोने पे लोग सुन रहे हैं ऑलरेडी सुन भी रहे हैं जैसे कल अपने ऐप में कमेंट का सेक्शन है उसमें कैलिफोर्निया से किसी ने कमेंट किया कि वो यहाँ का रेडियो सुन रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है और ये रेडियो गार्डन एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर भी अवेलेबल है कि आप वर्ल्ड के किसी भी डॉट को जाएं गोंडा को सर्च करें तो आपको ये स्टेशन मिलेगा तो एक तरह से वर्ल्ड वाइड रीच ऑलरेडी हो चुकी है अब यही देखना है कि इसको मतलब इसकी छवि थोड़ा ऊपर जाए जहाँ तक मैं जानता हूं कि आप गोंडा के ही रहने वाले हैं गोंडा में ही आपका जन्म हुआ है और यहाँ गांव से भी आपका वास्ता है अपने गांव के बारे में थोड़ा बताएं। राइट right. हमारी फैमिली ओरिजिनली यहाँ वजीरगंज ब्लॉक के में एक गांव पड़ता है प्रयागपुर उसके पास से आती है और गोंडा में भी वैसे हमारे बचपन गोंडा में ही बीता पीछे जीआईसी कॉलेज से ही हमने ट्वेल्थ तक एजुकेशन भी किया लेकिन गोंडा हमारा जो फैमिली है वो ओरिजिनली गांव से आती है प्रयागपुर गांव जो वजीरगंज ब्लॉक में पड़ता है बहुत ही सीनिक स्पॉट है वहाँ पर टेंपल है लेक है हम लोगों को इंक्रेज करेंगे कि वहाँ टूरिज्म के लिए शहर के लोगों को इंक्रेज करेंगे कि वहाँ टूरिज्म के लिए जाएँ तो उस उस एरिया के डेवलपमेंट में पिछले पाँच छः साल से हम लोगों ने बहुत काम किया है वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन में रोड्स को पास कराने में टॉयलेट्स हंड्रेड्स ऑफ टॉयलेट्स जो हमने फाउंडेशन के थ्रू कंट्रीब्यूट करके बनवाया और बाकी एजुकेशन की फील्ड में हर फील्ड में हमने वहां पिछले छह सात साल से बहुत काम किया है उस गांव में एक जानकारी मुझे मिली है कि आपके गांव में जितने भी लोग रहते हैं यानी कि जितने भी परिवार के लोग रहते हैं हर परिवार के लोगों में से किसी एक को यानी कि हर परिवार में एक को रोजगार देने के लिए भी आपने अवसर पैदा किया उसके विषय में बताएं आपने सही बोला अभी आ, मतलब सोच यही है कि रूरल गाँव के आसपास के गाँव के हरी हर एक परिवार से एक किसी को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो उसके लिए एक नौबस्ता इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरह से यूनिट हमारी एक इंडस्ट्रियल यूनिट वहीं गांव से चलती है अभी सभी परिवार को तो नहीं दे पाए हैं रोजगार लेकिन करीब दो के लोग के करीब लोग उसमें एम्प्लॉयड हो गए हैं और ये गांव के ही बच्चे हैं जो अब इसका दो काम अभी चल रहा है एक तो इलेक्ट्रिकल पोल मैन्युफैक्चरिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग और ये गांव के ही बच्चे हैं जिन्होंने ना तो इंजीनियरिंग की है लेकिन ये वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट पिक एंड प्लेस मशीन जो आप देखते होंगे नेट पर कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग में यूज़ हो रही हैं वो सीख गए हैं और वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये गाँव के बच्चे उस लेवल तक एक तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है प्लस उनकी स्किल वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रही है तो एन आई पी एल प्राइवेट लिमिटेड का यही गोल है और वो आप यह, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है बीस पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर ही है तो आप जाकर वहां पर देख भी सकते हैं ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑपरेशन में हैं आपने अपने गाँव में बहुत सारे घरों में जहां पर शौचालय की समस्या थी बड़ी समस्या थी सिन्हा फाउंडेशन के बैनर तले आपने बहुत सारे काम कराए वहां पर लोगों के घरों में शौचालय बनवाए आपने बिजली के खंभे भी लगवाए आपने तमाम घरों में हैंडपंप की सुविधा भी मुहैया कराई इसके साथ साथ एक बात और सुनने में आई है कि आपने जरूरतमंदों के लिए चिकित्सा सुविधा भी मुहैया कराई है उसके विषय में थोड़ा सा बताएं तो चिकित्सा में एक अपना प्राइमरी केयर सेंटर जहाँ पे शुरू की मेडिसिन मिल जाती है और फिर हम उसे हॉस्पिटल में रिफ़र कर देते हैं वो वहीं गांव पर चलता है अपनी फैक्ट्री के एनआईपीएल की फैक्ट्री के बगल में ही और अभी रिसेंटली शहर के कुछ लोगों के को कोलाब्रेशन के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी क्लिनिक की एक रजिस्टर क्लिनिक की चैरिटेबल क्लिनिक की स्थापना हो तो लेकिन गाँव में ये प्राइमरी केयर क्लिनिक अभी चल रहा है नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय की शुरुआत हुई यहाँ पर जैसे कि मुझे जानकारी है कि तीन लोगों से तीन बच्चियों से यह शुरुआत हुई और आज इतना बड़ा रूप ले लिया जब लड़कियां कॉलेज में जाने से पीछे हटती थी कोई एजुकेशन था और उस जमाने में उस दौर में बहुत सारी लड़कियां इंटर के बाद अपनी पढ़ाई को बीच में ब्रेक कर देती थी ऐसे में आपने जो ये सोच ले करके विद्यालय की न्यू डाली इसके विषय में भी थोड़ा सा प्रकाश डाले राइट right. तो ये विद्यालय की सोच जो है ये हमारी मदर जो फाउंडर फा। 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 हैं ज्ञानस्थली की डॉक्टर कृष्णा सिन्हा की है जो कि बहुत ही रिमार्केबल लेडी थी वो गोंडा की ही थी लेकिन उनको ये नीड पता चली कि यहाँ पर जो बहुत सी कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं वो अपनी लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजते हैं तो उसके लिए उन्होंने ये कॉलेज की आवश्यकता समझी और ये कॉलेज की स्थापना की और जब उन्होंने ऐसा किया तो वो वर्ल्ड वाइड गई वो यूके गई यूएसए गई भारत में डिफरेंट प्लेसेस पे गई कैलकटा गई मुंबई गई और उन्होंने स्टडी किया कि डिफरेंट एजुकेशन प्रणाली किस तरह की है और उसको एक सिंथेसाइज करके एक एजुकेशन प्रणाली हाई क्वालिटी की लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन की यहाँ पे एक एक नीव बाय नीव जैसे आपने सही बोला था एक कमरे से हमारे सामने ही ये विद्यालय खड़ा हुआ है और उसका पूरा क्रेडिट हमारी मदर डॉक्टर कृष्णा सिन्हा को जाता है एक सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे विद्यालय में एजुकेशन तो दी जाती है पर आज एजुकेशन का जो तरीका बदल गया है रूप बदल गया है कि किताबी ज्ञान दिया जाता है पर आपके इस नारी ज्ञान स्थली में कुछ अलग तरह का भी प्रयास होता है क्रिएटिविटी देखने को मिलती है यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं उसके विषय में थोड़ा सा बताएं क्या क्या होता है राइट right. Uh, तो आ, इसके लिए हम आ, हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी सिस्टर डॉक्टर आरती श्रीवास्तव जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं उनसे भी इस बारे में डिटेल में आप इंफॉर्मेशन लें लेकिन या, मतलब यहाँ पे स्किल और टैलेंट डेवलपमेंट में बहुत फोकस किया जाता है म्यूजिक डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है वोकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है अभी रेडियो जॉकी का भी यहाँ पे कोर्स uh, है वोकेशनल कोर्स है कंप्यूटर एजुकेशन पे स्टड दिया जाता है वैसे सब्जेक्ट्स आर्ट्स के हैं लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है तो तरह तरह की स्किल्स कला में साइंस में साहित्य में बहुत आ, फोकस किया जाता है कि यहाँ की छात्राएं उस पर उसमें उस भी अपना डेवलपमेंट करें पर्सनल डेवलपमेंट लोग जहाँ जन्म लेते हैं अपनी मातृभूमि को भूल जाते हैं आगे बढ़ के देश के किसी अलग जगह पर जाते हैं देश को छोड़ करके विदेशों में चले जाते हैं और अपने रोजगार को खूब बढ़ा लेते हैं या बड़े पदों पर विराजमान हो जाते हैं पर अपनी मातृभूमि को लोग भूल जाते हैं ऐसे में डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा जी ने जो गोंडा के लिए अपना योगदान दिया और आज भी योगदान दे रहे हैं ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आइए सीधे फिर से इनसे बात करते हैं जो 89.6 रेडियो एफएम की शुरुआत हुई है इस पर थोड़ा सा इसके बारे में और आप बताएं कि कैसे लोग सुन सकेंगे राइट right. तो पहले तो वहीं से शुरू करते हैं एक बार समराइज करने के लिए कि ये एफएम रेडियो है कम्युनिटी रेडियो जिसका रेंज 20 टू तो 25 किलोमीटर होगा लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि सामर कास्ट वर्ल्ड वाइड वेब पर है इंटरनेट पर है तो आप इसको गोंडा शहर में हैं तो 89.6 एफएम से सुन सकते हैं लेकिन आप कहीं बाहर हों या आपके रिलेटिव्स, घर वाले बाहर हों तो आप उनको इनकरेज करें कि वो एंड्रॉयड स्टोर में जाएँ ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में और सर्च करें ज्ञानस्थली रेडियो बाई ए लैब्स ए टी जो हमारी कंपनी है उसने ये ऐप बनाया है तो इसका सर्च करेंगे तो आपको वो ऐप आप मिल जाएगा और उस पर जाकर आप उसको इंस्टॉल करके सुन सकते हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जैसे आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कमेंट डाल सकते हैं वॉइस फीडबैक अपनी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं तो जो कि ऑन एयर हो जाएगी और इसके अलावा अगर आप कॉलेज के वेब पेज पर जाएँ एन जी एम गोंडा डॉट ओ आर जी एन जी एम गोंडा डॉट ओ आर जी तो वहाँ पर आपको वहीं वेब पेज पर एक वेब प्लेयर मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आप रेडियो को सुन सकते हैं तो ये चार तरीके से बल्कि एक और तरीका है रेडियो गार्डन अगर आप रेडियो गार्डन के बारे में नहीं जानते हैं तो जस्ट गूगल सर्च करें उसमें आप पूरे दुनिया के रेडियो स्टेशन सुन सकते हैं और ये रेडियो ज्ञान स्थली भी उस पर अवेलेबल है तो ये पांच तरह से आप इसको सुन सकते हैं आप यहाँ से इस रेडियो एफ एम से क्या क्या दिखाना चाहते हैं आपकी सोच में जानता हूं बहुत बड़ी है और उसमें क्या क्या दिखाना चाहते हैं थोड़ा लोगों का राइट right. जो ध्यान इस तरफ भी दिलाए तो वो हम लोगों ने डिस्कस करके पूरी जो अपनी टीम है इस समय आर की आ, तीन की टीम है और नए स्टाफ्स ज्वाइन कर रहे हैं तो वो साथ मिलकर एक प्लान बनाए हैं उसमें तीन चार फोकस एरिया हैं एक तो वी विल फोकस ऑन एंटरटेनमेंट दैट एजुकेट्स मतलब ऐसा एंटरटेनमेंट रहेगा जिससे कि आपको एजुकेशन भी मिले साथ ही साथ जो कॉलेज में बहुत वास्ट टैलेंट का पूल है उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे कि वो उभर कर गोंडा के सामने आए गोंडा और विश्व के सामने आए तीसरा हम एक ओपन माइक के ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे शहर के लोगों के लिए कि आप भले ही किसी भी प्रोफेशन में हैं भले ही आपकी चाय की ही दुकान हो भले ही आपका कोई रेस्टोरेंट हो भले ही आपका कोई फर्म हो या एक मेडिकल क्लिनिक हो लेकिन अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है आप कुछ सिखा सकते हैं लोगों को तो हम कोशिश करके आपके पास पहुंचेंगे और आपको इस प्लेटफॉर्म पर तक लाएंगे जिससे आपकी आवाज़ पूरे गोंडा और विश्व तक पहुंच सके और ऑफ कोर्स अगर आप कलाकार हैं तो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप यहां आए इस प्लेटफॉर्म ओपन माइक को यूज करें और अपनी आवाज को अपने टैलेंट को दूर दूर तक पहुंचाए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर चाहे वो कवि हो चाहे चित्रकार हो चाहे मूर्तिकार हो या किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो अगर उसके अंदर प्रतिभा है तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और उसकी आवाज दूर दूर तक जाएगी बात छोटे बड़े के नहीं है आपके अगर विचार में कुछ इस तरह का है तो आप ऐसी जगह से जुड़ करके अपनी आवाज को विदेश तक भी पहुंचा सकते हैं ये अपने आप अप में बहुत बड़ी बात है और ये जो प्रयास इनका रहा है डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा जी का ये बहुत ही सराहनीय है बहुत ही प्रशंसनीय है मैं इतना ही सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने तरीके हैं ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम को सुनने के लिए उसमें से कोई तरीका अपनाएं और अपने जानने वालों को भी इसके बारे में बताएं जिससे अधिक से अधिक लोग रेडियो 89.6 एफएम को सुन सकें बिल्कुल और आपका दीपक जी आपके सहयोग की बहुत उसमें रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उसमें पूरा सहयोग दें आप टैलेंट टैलेंटेड हैं खुद तो टैलेंटेड हैं ही बहुत ही और साथ में पूरे सारे टैलेंटेड लोगों से कनेक्टेड हैं गोंडा के तो आप इसमें पूरा सहयोग दें अपना रेडियो स्टेशन माने और इसको आगे बढ़ाने में हमारी हमारा सहयोग करें यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे भी और आपकी टीम से भी चूंकि आपने सहयोग की बात की है मैं दीपक श्रीवास्तव ये वादा करता हूँ और कलाकारों की तरफ से भी यह वादा करता हूं कि कलाकार यहां पर आपसे जुड़ करके बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति देंगे जिसमें लोगों का मनोरंजन भी होगा और वर्धक विषय वस्तु को लेकर के आपके बीच में मैं भी उपस्थित रहता रहूंगा और हम दीपक श्रीवास्तव हमारी टीम हमसे मतलब हमारी टीम सोशल मीडिया मंच भी आपके साथ खड़ी मिलेगी इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि चलते चलते थोड़ी सी बात आप जरूर लोगों से कहें कि एफ का जो दौर था पहले का जो पुराना दौर था जिसमें बड़ी उत्सुकता के साथ है, लोग लखनऊ जैसे शहर में या बड़े शहरों में जाते थे खूब सुनते थे रेडियो का जमाना हुआ करता था आपने बड़ी पुरानी चीजों को ले आकर के लोगों के सामने रखा है थोड़ा जरूर समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से पुरानी यादों को आप ताजा कर रहे हैं बिल्कुल लास्ट में यही कहेंगे कि रेडियो के को अंडर एस्टिमेट ना करें जब रेडियो एफ एम रेडियो एक्चुअली नया प्लेटफॉर्म नहीं है 1933 में आया था लेकिन जब टीवी सामने आया 1948 में उस तभी से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि दिस इज़ द डेथ ऑफ रेडियो रेडियो अब खत्म होने वाला है लेकिन वर्ल्ड वाइड रेडियो बढ़ा ही है हम यूएसए में भी जहाँ रहते हैं देख रहे हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गए हो आ गई हो रेडियो इज़ इवन मोर पॉपुलर देन बिफोर तो रेडियो प्लेटफॉर्म कहीं जा नहीं रहा है रेडियो मेन रेडियो के एडवांटेज है किसी ने कहा था कि रेडियो एस अ प्लेटफॉर्म दैट्स लिसन टू बाय मिलियंस बट इट टॉक्स टू ईच वन इंडिविजुअली मतलब भले आपके दस लाख बीस लाख लिसनर हो लेकिन सबको लगता है कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है रेडियो के होस्ट से तो वो कनेक्शन जो है वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर सकता है भले वो पॉडकास्ट हो या स्पॉटिफाई uh, हो या गारा डॉट कॉम कोई भी प्लेलिस्ट हो रेडियो जैसा कनेक्शन सिर्फ रेडियो ही प्रोवाइड कर सकता है और रेडियो कहीं गया नहीं है रेडियो आगे ही बढ़ेगा और गोंडा में तो अपना प्रयास रहेगा कि इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया ही जाएगा और साथ में गोंडा को भी आगे बढ़ाया जाए बहुत बहुत थैंक्स आपको दीपक मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक दौर हुआ करता था जब लोग विविध भारती लगा करके समाचार सुनते थे इसके अलावा भी रेडियो पर बहुत सारे कार्यक्रम आते थे सुबह सुबह रामायण की चौपाइयां आती थी बड़े प्यार से लोग सुनते थे सुबह के टाइम में भजन इसी तरह से अलग अलग समय में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आते थे कभी कृषि दर्शन कभी गाना सुनते थे आप तो इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी कि आपको सुनने को मिलती थी अलग अलग विषयों को लेकर के और आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो जो बातें थी आज अभी आपने सुना कि रेडियो खत्म नहीं हुआ है रेडियो खत, कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो कनेक्शन है जो लोग जुड़ते हैं जुड़ाव होता है तो वो सीधे फोन मिलाते हैं सीधे बात भी करते हैं सवाल जवाब भी करते हैं ये भी बहुत सारे लोगों को याद होगा पुराने लोगों को तो बिल्कुल याद होगा कि सीधे रेडियो और, और आरजे मैं फला बोल रहा हूं और आपका फोन रिसीव करने के बाद तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता था ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा गोंडा के ज्ञान स्थली एटी नाइन पॉइंट सिक्स एफ को जब आप सुनेंगे तो उसमें आर जे बहुत प्यारे अंदाज में बोलते हुए नजर आएंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार जय हिंद जय जै भारत अगर आपके हुनर में है दम तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम गायन वादन नृत्य अभिनय कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें हम सबका अपना मंच सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज